Hi guys, welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope that you guys are doing really really well. अरे ये winters जाने का नाम क्यों नहीं ले रही? Body एकदम stiff हो जाती है यार. Plus कुछ करने का मन नहीं करता. बस bed, खाना, bed और सोना. मैं generally इतना जल्दी उठती नहीं हूँ. But आज video बनाने के लिए मैं उठ गई. Ouch. फर्श बहुत ठंडी है. I'm gonna grab two socks because एक से तो काम बनेगा नहीं. Switch on those lights. And wear my socks because भाई बहुत ठंड है and मुझे तो extremely ज़्यादा ठंड लगती है. Socks तो मैंने पहन ली and अब मैं भागूंगी अपने फ्रिज की तरफ and अब मैं लूंगी गर्म पानी with नींबू. दिन की शुरुआत with नींबू पानी. Hot lemon water digestion के लिए बहुत अच्छा होता है एंड वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है. सो मैं जनरली स्विच करती हूँ एप्पल साइडर विनेगर एंड लेमन वाटर में. धीरे धीरे सिप बाय सिप मैं से पीऊंगी एंड अभी मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मेरा रूम कितना गंदा हो रखा है. ब्रेकफास्ट से पहले इसे सॉर्ट करेंगे. ऑन टू माय ब्रेकफास्ट. बहुत सारे लोग मुझसे ओट्स की रेसिपी मांग रहे थे कि प्रॉपरली ओट्स को बनाए कैसे. सो यहाँ पे मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं अबाउट 3 चम्मच एंड उसके बाद मैं 1.5 चम्मच चिया सीड्स डालूंगी. चिया सीड्स आर ग्रेट फॉर वेट लॉस. आप चाहें तो चिया पुडिंग भी ट्राई कर सकते हैं. एंड अब इस मिक्सचर में मैं डालूंगी एकदम उबलता हुआ पानी. इसे इतना डालना है कि ये सोक हो जाए बिकॉज चिया सीड्स एंड ओट्स बहुत सारा पानी पी जाएंगे. अब इसे मीठा बनाने के लिए मैं इसमें शहद डालूंगी बट अगर आप चाहें तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं या ब्राउन शुगर. अब क्योंकि विंटर्स चल रही है तो मैं इसमें ड्राई रोस्ट करके बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालने वाली हूँ एंड 4 टेबलस्पून दूध. ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना ये हमारी बॉडी के अंदर इतनी गर्मी क्रिएट करेंगे कि हमें ठंडी नहीं लगेगी. हेल्दी टेस्टी और खूब सारी गर्मी एंड तभी ये मेरी फेवरेट मील है और परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. विंटर्स में क्योंकि हम एक्सरसाइज कम करते हैं और खाते बहुत ज्यादा हैं तो हम थोड़े चबी पांडा जैसे बन जाते हैं. बट मैंने जो ये मील प्लान बनाया है उससे मेरा वेट बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है. मील्स खा के पेट भी बहुत अच्छे से भर जाता है एंड न्यूट्रिशन भी पूरी मिलती है. इसके बाद मैं आपको मिलूंगी लंच टाइम पे. आज खाना बना रही है शेफ. हाँ मैं परफेक्ट कुक नहीं हूँ बट खाना अच्छा ही बना लेती हूँ. सो लंच के लिए मैं बना रही हूँ पुलाव एंड मैं आपको बताऊंगी कि वेट लॉस के लिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ. प्रेशर कुकर में हमें डालना है घी एंड 3 चम्मच तेल. उसके बाद बे लीफ, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची एंड इन सबको हम लो आंच पे गरम कर लेंगे. अब इसमें मैं अनियंस ऐड कर लूंगी. बहुत ज्यादा देर कुक नहीं करना है. लाइट ब्राउन होने के बाद मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट. उसके बाद ऐड करूंगी टमाटर. स्पाइसेस में मैं ऐड करती हूँ व्हाइट सॉल्ट, बहुत ही कम लाल मिर्च पाउडर एंड बहुत सारी हल्दी. हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बॉडी को बहुत गर्म रखती है. अब खूब सारे प्रोटीन के लिए सोया चंक्स इसमें ऐड करके इसे 5 मिनट्स तक पकाएंगे एंड इसमें ऐड करेंगे हमारे चावल एंड उसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी. अननेसेसरी कोई तड़का नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑयल्स नहीं. बस अब इस पे 2 सीटी लगानी है. इसके साइड में हम बनाएंगे रायता एंड ट्रस्ट मी इफ यू गाइज विल फॉलो दिस रेसिपी. ये इतनी सिंपल है बट इससे टेस्टी रायता आपने नहीं ही खाया होगा. स्पाइसेस में आप डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, रॉक सॉल्ट एंड थोड़ी चीनी. अब आप चाहें तो इसमें बहुत सारे फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं. जीरा पाउडर बिल्कुल मत भूलिएगा. मैंने इसमें अनियंस और टोमेटोज ऐड करे. पुलाव के साथ आई थिंक रायता गोज हैंड इन हैंड. बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है. मीनवाइल आर यू इन फॉर द सरप्राइज? मीट माय फ्रेंड रूबी. ओ माय गॉड, रूबी आई है अपने लंच के लिए एंड आई एम प्रीटी श्योर उसके हस्बैंड भी अभी आते ही होंगे, मिस्टर टॉमी. देखो टॉमी तो ट्रीट लेने आया था. मैंने इसे बहुत सारी ट्रीट्स दे दी. बेचारा ओल्ड हो रहा है. आई होप ही स्टेज वेल. अच्छा एनिमल लवर्स कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि विंटर से स्ट्रे एनिमल्स को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बिकॉज इतनी ठंड में ये बेचारे बहुत परेशान होते हैं. तो कमेंट सेक्शन में मुझे आइडियाज डेफिनेटली देना. बदमाश. खेलते खेलते हमें लग गया टाइम एंड अब मैं खाऊंगी अपना लंच. सो लंच होनी चाहिए हेवीएस्ट मील. सो इसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर हम लोग डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं. अच्छा ये थोड़े से जल गए थे बट देन कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं करती हूँ. उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा बनाया था. अपनी खुद की तारीफ से पेट भरने के बाद मैंने लिया एक छोटा सा नैप एंड उसके बाद टाइम हो गया था कोलेजन बूस्टर का. जिन्हें नहीं पता मैंने कोलेजन कंज्यूम करना स्टार्ट करा था राइट आफ्टर माय बर्थ. डाइटिंग करने की वजह से हमारी स्किन की ग्लो एकदम गायब हो जाती है एंड इसीलिए मैं कोलेजन अपनी डाइट में
पॉइंट जरूर इंक्लूड करती हूं। ये है न्यू हर्ब्स का स्किन कोलेजन बूस्टर विद हाइलुरोनिक एसिड। ये स्किन कोलेजन पाउडर मुझे स्पेसिफिकली इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बना है 4 नेचुरल ब्लेंड से एंड ये ग्लूटेन सोय एंड प्रिजर्वेटिव फ्री है। ना ही इसमें एडेड शुगर आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर है। इसके टेस्ट की बात करें तो इसका फ्लेवर फ्रूटी है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड होने की वजह से ये हमें विंटर्स में भी हाइड्रेटेड रखेगा। कोलेजन हमारी स्किन को रिपेयर करता है एंड हमारी बोन्स को भी स्ट्रेंथन करता है बट विद एज ये हमारी बॉडी में कम होने लगता है तो इसीलिए मैं इसे कंज्यूम कर लेती हूँ। अगर आप भी ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ऑन टू माई लास्ट मील। सो यहाँ पे जितनी भी सारी वेजिटेबल्स हैं घर पे मैं स्टर फ्राई कर दूंगी। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है और सारी वेजिटेबल्स को बस फ्राई करना है। क्योंकि मुझे रात को भूख लगती ही लगती है मैं अपने लिए अलग अलग टाइप के स्प्रेड्स बना के रखती हूँ। अभी मैं बनाने वाली हूँ गुआकामोली। इसे बनाना इतना इजी है। एक एवोकाडो को अच्छे से मैश करना है। अब उसमें ऐड कर देना है टमाटर और अनियन, आधे नींबू का जूस, ब्लैक पेपर, व्हाइट सॉल्ट और गार्लिक। अच्छे से मिक्स कर दो और जब भी भूख लगे ब्रेड के साथ लगा के खा लो। मैं आपको एक और स्प्रेड बनाना सिखाती हूँ। हम्मस बनाने का सबसे आसान तरीका, 1 कप दही और 1 कप बॉइल छोले, उसमें डालेंगे गार्लिक और आधा लेमन, उसके बाद डालेंगे ब्लैक पेपर और व्हाइट सॉल्ट एंड जीरा भी। इस सब को अब हम कर देंगे ग्राइंड। तारा आपका हमस है रेडी। मैं इसमें डाल रही हूँ हेम्प सीड ऑयल बट आप चाहें तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अब बनाते हैं हमारी लास्ट मील। आई लव सैंडविचेस। सबवे के सैंडविचेस कितने एक्सपेंसिव होते हैं और उसमें जो पैटीज होती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पे ही बना लूं। अच्छा तो वेट लॉस के टाइम पे मैं रोटियों को अवॉइड करती हूँ। सो लास्ट मील में मैं ब्रेड सूप एग्स लेना प्रेफर करती हूँ। अभी मैं लेटस ले लूंगी एंड इसमें मैंने आधा चीज का स्लाइस रखा है। अब जो भी वेजिटेबल्स हमने स्टर फ्राई करी थी हम इसके ऊपर लगा देंगे। ऑनेस्टली मुझे कैलोरीज मेजर करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है बट अननेसेसरी खाने से अच्छा मैं अपनी मील्स को टेस्टी और हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। प्रोटीन के लिए आप चाहें तो आप इसमें एग्स पनीर टोफू भी लगा सकते हैं। एंड अब मैं इसमें अपना बनाया हुआ स्प्रेड लगाऊंगी एंड इसे बंद करके इसे टोस्ट कर लूंगी। बहुत ही डिलिशियस हेल्दी और एक होलसम मील है। इसे बनाना ट्राई करना और डेफिनेटली मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। ये सैंडविचेस मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। इनफैक्ट जब मैं जल्दी में होती हूँ तो यही होती है मेरी गो टू मील। सो या ये है मेरी लास्ट मील एंड इसे मैं अच्छे से एंजॉय करूंगी। ये सब सोच रहे हो कि एक से मेरा पेट भर गया, सेम ऐसा एक और खाया था एंड उससे मेरा टमी हो गया था फुल। ओके बेड टाइम। अब रात को देर तक जागने की वजह से लगती है बहुत सारी भूख। इन दैट केस आप ब्रेड के साथ स्प्रेड खा सकते हैं बट मैं जनरली हैंडफुल आलमंड्स या मखाने और उसके साथ ले लेती हूँ एक फ्लेवर्ड टी। बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ टीज, आई मीन ग्रीन टीज। मैं चाय कॉफी बहुत ही कम पीती हूँ बट फ्लेवर्ड कैमोमील टीज या रास्पबेरी टी सोने से पहले एकदम रिलैक्स कर देती है। छोटी सी टिप, अगर आपको सोने से पहले एंजाइटी होती है, रात को नींद नहीं आती, तो आप कैमोमील टी ट्राई करें, बहुत ही सूदिंग एंड रिलैक्सिंग होती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सभी कर देना। प्रोडक्ट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो डिस्क्रिप्शन बार को डेफिनेटली चेक कर लेना। अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय गाइस।